चीन दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। चीन में ऐसी कई चीजें होती है जो और कहीं नहीं होती। चीन में सबसे विचित्र इमारत से लेकर कई आधुनिक निर्माण में चीन को कोई मात नहीं दे सकता। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं चीन के कुछ ऐसे अजीबोगरीब किस्सों के बारे में जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चीन दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है और यहाँ कई जानलेवा वायरस भी बहुत जल्दी फैलते हैं, इसलिए चीन की ज्यादातर तस्वीरों में लोग आपको मास्क पहने दिखेंगे। चीन में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि यहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहाँ के पॉल्यूशन को भी आप स्पेस से देख सकते हैं। चीन के बारे में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ टेबल कुर्सी को छोड़कर हर चार पैर वाली चीजें खाई जाती है। चाइनीज लोग खाने पीने के मामले में बेहद ही चटुरे और पेटू होते हैं। वो सभी तरह की चीजें खा जाते हैं, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, सुअर, गधे और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में सुनकर आपको उल्टी आ जाएगा। खासकर ये ग्रास हॉपर को इतने चाव से खाते हैं जैसे हम हिंदुस्तानी चने भटूरे या मूंगफली खाते हैं। और तो और, इन्होंने ताजे मानव भ्रूण को भी नहीं छोड़ा। कुछ वर्षों पहले आई एक रिपोर्ट में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवा महिलाओं का तीसरे महीने में ही अबॉर्शन करा के अपने भ्रूण को स्पेशल डिश के रूप में ग्राहकों को पेश किया जाता है। चीन का डॉग मीट फेस्टिवल तो भारी प्रसिद्ध है, यहाँ बिल्लियों को भी भारी मात्रा में खाया जाता है। साल भर में कई लाख कुत्ते और बिल्लियों को ये लोग ऐसे ही खा जाते हैं जैसे हमारे यहाँ मूली, गाजर और प्याज खाते हैं। अब आप ही सोच लीजिए कि जिस देश के लोग मानव भ्रूण को भी नहीं छोड़ सकते, वो क्या नहीं खा सकते होंगे। अब आइए जानते हैं चीन के कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में। नंबर वन, ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कॉलर में पिन लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी गर्दन एकदम सीधी रहे और वो अनुशासित रहें। यहाँ डॉग्स के बजाय चीन की आर्मी में बंदर, हंस और कबूतर को भी ट्रेनिंग दी जाती है। चीन ने 10,000 से भी ज्यादा कबूतरों को मैसेंजर ट्रेनिंग दी है ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के कारण यहाँ गाड़ियों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। अगस्त 2010 में यहाँ के बीजिंग तिब्बत हाईवे पर सबसे लंबा जाम लगा था। 99 किलोमीटर लंबा जाम 10 दिनों तक लगा रहा। जाम खुलने के 5 दिन बाद ट्रैफिक नॉर्मल हो पाया। चीन में स्मार्टफोन के आदि लोगों के लिए अलग से लेन बनाई जाती है ताकि पैदल चलते हुए फोन यूज करने से एक्सीडेंट ना हो। तो दोस्तों, ये है चीन के कुछ अनोखे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के कौन कौन से उपाय हैं, अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।